तिवारी। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत से पहले एक बड़ी खबर मिल रही है फिलहाल भीलवाड़ा से, जहां पर आपको बता दें कि भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में नागौर सत्तूर बाईपास पर ट्रक और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की यहां पर मौत हुई है, 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिकअप सवारियों को लेकर काशीपुरिया से नीमच यहां पर जा रही थी। केकड़ी रोड पर चंबल परियोजना के पास मोड़ पर पिकअप ट्रक से टकरा गई और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, बता देंगे, जबकि 1 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शाहपुरा भीलवाड़ा की घटना है जहां पर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, बता दें कि 1 व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा, साथ ही 3 लोगों की मौके पर ही यहां पर मौत हो गई। ये तस्वीर आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पिकअप और ट्रक में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद पिकअप कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें कि इस घटना के बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शाहपुरा भीलवाड़ा की घटना है। नेशनल हाईवे 148 का बाईपास पे असुविधा होने के कारण नया बाईपास बना है। अब तक इसमें 5-6 दुर्घटनाएं हो गई है। पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हुई हुई है। पिकअप में सवार तीन आदमियों की डेथ हो गई है। डेथ को सैटेलाइट हॉस्पिटल पुलिस द्वारा पहुंचा दिया गया है और ट्रक के 2 ड्राइवर और खलासियों को गंभीर हालत में उनको सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुँचाया है। सर्कल ऐसा बना हुआ है, सर्कल पर असुविधाएँ हैं, सर्कल बिल्कुल पैमाने पे सही खड़ा नहीं होने की वजह से आए दिन दिनों दिन इसको 1 महीना नहीं बना हुआ है। अब तक 5 दुर्घटनाएं हो गई। इतना में मिली थी कि चंबल परियोजना किराए पर एक्सीडेंट हो गया, उसमें मैं पुलिस दफ्तर के तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां 3 व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई थी और 108 एम्बुलेंस घायलों को लेकर यहाँ आ रही थी हॉस्पिटल। फिर तीनों डेड बॉडियों को मैं लेकर यहाँ पहुंचा हॉस्पिटल और उनकी पहचान की जा रही है। बता दें खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मूलचंद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं शाहपुरा से। मूलचंद, किस वजह से हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? जी अर्पित, मैं बता दूं, शाहपुरा में नए बाईपास का निर्माण हुआ है, वहां चौराहे पे अंधा मोड़ होने के कारण आज सुबह ये हादसा हुआ। एक ट्रक और पिकअप आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। पिकअप के परचक्के उड़ गए और पिकअप में सवार 4 जनों की मौत हो चुकी है। 3 की मौत मौके पे हुई और 4थे की मौत सैटेलाइट हॉस्पिटल में हुई। पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करा रही है, परंतु हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश इस बात का है कि नव निर्माण होने के बावजूद चौराहे पे सावधानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोगों का यह भी कहना है कि वहाँ अब तक 1 महीने के अंतराल में यह 6ठा हादसा है, इससे पहले 6 जनों की मौत हो चुकी है। जी मूलचंद, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या शवों की शिनाख्त हो चुकी है? जी अर्पित, 3 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। 1 काशीपुरिया निवासी पप्पू रेगर, दूसरा वहीं का भंवर लोहार और तीसरा रामराज गुजर रहड़ निवासी है। 4थे की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। जी आपसे जानना चाहूंगा मूलचंद, ट्रक चालक जो था उसकी अभी क्या स्थिति है, क्या वो पकड़ में आ गया है? जी अर्पित, ने बता दूं, ट्रक चालक और उसका खलासी दोनों भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को सैटेलाइट चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मूलचंद। बता, जैसे मेरे सहयोगी ने यहाँ पर बताया कि ये हादसा यहाँ पर हुआ है, ये नया ही निर्मित किया हुआ ये हाईवे है, जहाँ पर लगातार हादसे होते हुए दिखे जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में 5 से 6 हादसे यहाँ पर हो चुके हैं और फिलहाल इस ट्रक और पिकअप की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 1 व्यक्ति यहाँ पर क्षति बहुत घायल हुआ है।